तो दोस्तों आज के टाइम में हम लोग बहुत तरह के स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, जिसमें से मैं आज आप लोगों को एक स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताऊंगा। और जिस स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताऊंगा उसका नाम है HDD। और आज मैं बताऊंगा कि HDD कैसे काम करता है, HDD के अंदर होता क्या है और HDD को हम क्यों यूज़ करते हैं। और ये भी बताऊंगा जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और स्टोरेज डिवाइस ना यूज़ करें तो क्या होगा। और अगर आप एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं, स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हम स्टोरेज डिवाइस को क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि हम स्टोरेज डिवाइस को क्यों यूज़ करते हैं और HDD के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आज के टाइम में ज़्यादातर सभी लोग स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं क्योंकि अभी के टाइम में ज़्यादातर सभी लोग के पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है, सो इसीलिए ज़्यादातर सभी लोग स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम इसको ना यूज़ करें तो क्या होगा, तो पहले इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सिंपल भाषा में बताएं तो हम स्टोरेज डिवाइस को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है या फिर जिस डेटा के ऊपर हमने काम किया है वो डेटा डिलीट ना हो जाए, इसलिए हम स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं। क्योंकि हर समय हम अपने कंप्यूटर को ऑन कर नहीं रख सकते, कभी ना कभी हम उसे शटडाउन करेंगे और शटडाउन करने के वक्त हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा हमने स्टोर किया है या फिर जिस डेटा के ऊपर हमने काम किया है वो डेटा डिलीट हो जाएगा अगर हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो। सो इसीलिए हम अपने कंप्यूटर पर स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो सेफ रहे। और स्टोरेज डिवाइस अगर हम ना यूज़ करें तो हमारा जो डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा और वैसे और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है उसी के अंदर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी स्टोर होता है। सो इसीलिए हम स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं। और स्टोरेज डिवाइस को अगर हम ना यूज़ करें तो हमारा जो कंप्यूटर है वो चलेगा ही नहीं, उसके अंदर कोई डेटा आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसके अंदर नहीं रहेगा इसलिए। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि स्टोरेज डिवाइस हम क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब बताते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइस HDD के बारे में। तो दोस्तों ये जो HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव है ये बहुत पहले का है, ये मतलब ये बहुत पहले आया था। और ये जो हार्ड डिस्क है ये उस टाइम भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था और आज भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क है ये इतना ज़्यादा क्यों यूज़ होता है और ये जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर क्या है और ये जो हार्ड डिस्क है ये कैसे काम करता है, इन सब के बारे में एक एक करके जान लेते हैं अब। तो दोस्तों पहले बताते हैं ये हार्ड डिस्क कैसे काम करता है और लास्ट में बताएंगे कि ये हार्ड डिस्क क्यों इतना ज़्यादा यूज़ होता है आज भी। तो अब बताते हैं HDD के बारे में। दोस्तों ये जो HDD है ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ये काम करता है मैग्नेटिज्म के माध्यम से, मतलब ये जो डेटा स्टोर करता है वो मैग्नेट की फॉर्मूला से स्टोर करता है, मतलब कोई भी डेटा अगर आप इस पर स्टोर करोगे तो वो मैग्नेट की फॉर्मूला से अपने पास वो डेटा को रखेगा क्या। तो दोस्तों एग्जाम्पल से बताते हैं, समझिए आज से बहुत साल पहले जब मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था, उस टाइम दो दोस्तों में एक मीटिंग फिक्स हुआ, लेकिन उन दो दोस्तों में से एक दोस्त मीटिंग पर आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा वो कन्फर्म नहीं था। सो इसीलिए वो दोस्त ने अपने दोस्त को कहा कि मैं कल तेरे घर के सामने एक आयरन का नेल फेंक कर जाऊँगा, मतलब लोहे का कील फेंक कर जाऊँगा, तो उसे लेकर अपने घर के किसी भी लोहे के ऊपर रखना, अगर वो चिपक जाता है तो समझना मैं मीटिंग पर आऊँगा, अगर वो नहीं चिपकता है तो समझना मैं मीटिंग पर नहीं आऊँगा। लेकिन शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो क्यों, अगर वो अपने दोस्त के घर के सामने आ सकता है तो अपने दोस्त से भी तो बात कर सकता है। तो दोस्तों हाँ, अपने दोस्त से तो बात कर सकता है, लेकिन उस टाइम उसका दोस्त घर पर नहीं होगा और वो अपने दोस्त के घर वालों से भी नहीं कह सकता, सो इसीलिए उसने ये तरीका चुना। और दूसरे दिन वो अपने दोस्त के घर के सामने एक नेल फेंक कर चला गया और उसके कुछ देर ही बाद उसका जो दोस्त था वो उस नेल को लेकर अपने घर के एक लोहे के ऊपर रखा और वो नेल चिपक गया, मतलब वो मीटिंग पर आएगा, मीटिंग होगा, लेकिन ये जो नेल था ये चिपका कैसे। तो दोस्तों वो जो नेल था उसका चिपकने का वजह ये था कि जो दोस्त ने नेल फेंका था उसने नेल फेंकने से पहले अच्छी तरीके से उस नेल को मैग्नेट में घिस लिया था और मैग्नेट में घिसने के वजह से उस नेल के अंदर, मतलब उस कील के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक एनर्जी आ गया और मैग्नेटिक एनर्जी आने की वजह से वो नेल लोहे से चिपक गया और वो दोस्त समझ गया कि मीटिंग में वो आएगा। तो उन दो दोस्तों ने कैसे अपने एक बड़ा सा मैसेज को एक छोटे से कील के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक वैसे ही
हमारा जो HDD होता है उसके अंदर भी ऐसे लाखों करोड़ों नेल्स होते हैं, मतलब सच्चे के नेल्स नहीं होते, बस वैसे ही फार्मूला में वो HDD काम करता है। मतलब आप जो डेटा स्टोर करोगे वो अपने पास मैग्नेटिक फार्मूला से स्टोर करेगा और जो HDD होता है वो ऐसे ही काम करता है। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं HDD कैसे काम करता है। तो दोस्तों अब बताते हैं जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर रहता क्या है। दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क होता है इसके अंदर जो पहला चीज़ रहता है वो है प्लटर। ये प्लटर एल्युमिनियम या फिर ग्लास का होता है, ज़्यादातर एल्युमिनियम का देखा जाता है, ग्लास का कम। और ये जो एल्युमिनियम का प्लटर होता है उसके ऊपर रहता है निकेल, कोबाल्ट, प्लैटिनम, और उसके ऊपर छिड़का जाता है कार्बन की कोटिंग ताकि जो प्लटर है वो स्मूथली रन कर सके। और वो जो प्लटर होता है उसके ऊपर रहता है एक लकड़ी जैसा सीधा सा चीज़ जो बिल्कुल ऐसा दिखता है, जिसको हम रीड राइट हेड कहते हैं। और ये जो रीड राइट हेड होता है इसका काम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यही है जो डेटा को स्टोर भी करता है और डेटा को रीड भी करता है। और ये जो रीड राइट हेड होता है इससे जो प्लटर की दूरी होता है वो 5 से 6 नैनोमीटर तक होता है, और ये दूरी जितना कम होगा उतना अच्छा होता है हार्ड डिस्क के लिए। लेकिन जो रीड राइट हेड है वो प्लटर से टच नहीं होना चाहिए, अगर वो टच हो जाए तो आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगा। सो इसीलिए अभी तक ये जो दूरी है ये 5 से 6 नैनोमीटर तक ही है, और ये जो दूरी होता है उसी के हिसाब से हार्ड डिस्क का साइज डिज़ाइन किया जाता है, मतलब 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB ये सब। और जो प्लटर होता है हार्ड डिस्क का उसके अंदर बनाया जाता है सेक्टर्स, और इन्हीं सेक्टर्स पे डेटा को स्टोर किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो रीड राइट हेड है वो डेटा को जल्दी से जल्दी रीड कर सके, और इसीलिए ये सेक्टर्स बनाए जाते हैं। और ये जो प्लटर होता है ये साउथ ओरिएंटेशन और नॉर्थ ओरिएंटेशन में घूमता है। साउथ ओरिएंटेशन में वो तब घूमता है जब वो डेटा को स्टोर करता है, और नॉर्थ ओरिएंटेशन में तब घूमता है जब वो डेटा को रीड करता है। और ये जो हार्ड डिस्क होते हैं वो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा धीरे रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब एक फाइल को खोलने में वो 3 से 4 सेकेंड तक ले लेते हैं, जो हमारे लिए तो बहुत कम लगते हैं लेकिन कंप्यूटर के लिए उसे बहुत ज़्यादा माना जाता है। सो इसीलिए इसको थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्डेबल बताया जाता है। ये जो हार्ड डिस्क होता है इसका जो मैक्सिमम लाइफ होता है वो 5 से 10 साल तक होता है, क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क होता है ये अगर गिर जाए तो भी खराब हो जाता है, उसके अंदर धूल या फिर कुछ घुस जाता है वो अपने आप खराब हो जाता है। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ रहता है। अब बताते हैं हमारा लास्ट पॉइंट कि क्यों हम अब भी HDD को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका एक सिंपल रीज़न है, इसको हम इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो HDD होता है ये बहुत ही चीप होता है, मतलब ये कम प्राइस में आ जाते हैं, और जो फ्लैश मेमोरी है वो अभी तक बहुत प्राइस में आते हैं। सो इसीलिए हम अभी भी HDD को ही प्रेफर करते हैं। और जो न्यू कंज्यूमर होते हैं, मतलब जो नए खरीदने के लिए आते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर, उनके लिए फ्लैश मेमोरी के खरीदना बहुत ही बड़ी बात हो जाता है। सो इसीलिए अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग HDD को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि HDD बहुत ही चीप है और जो फ्लैश मेमोरी बहुत ही कॉस्टली है। अगर देखा जाए तो अभी भी आपको एक 500 GB का हार्ड डिस्क 2500 में मिल जाएगा, उससे भी कुछ लोअर कंपनी के जो हार्ड डिस्क होते हैं वो आपको 2000 में भी मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर एक फ्लैश मेमोरी चाहिए तो आपको सिर्फ 240 GB का एक फ्लैश मेमोरी 3500 में मिलेगा। सो इसीलिए अभी भी जो ये HDD है ये बहुत ही चीप है, और इसीलिए इसको अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसे बाद में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा जब तक कि फ्लैश मेमोरी और भी ज़्यादा चीप नहीं हो जाती। जब तक कि फ्लैश मेमोरी चीप नहीं होगा ये और भी ज़्यादा यूज़ होता रहेगा। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि जो HDD है वो कैसे काम करता है, और ये HDD को हम क्यों इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये HDD के अंदर होता क्या है। दोस्तों आज जो वीडियो हुआ है वो स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ का पहला वीडियो है, मतलब पहला पार्ट है ये। इसके बाद और भी सीरीज़ आएंगे, मतलब और भी वीडियोज़ आएंगे स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ का। सो इसीलिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिए, ताकि जो स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि इससे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर और भी इम्प्रूव कर सके। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे आपके दोस्त को भी मदद मिल सके।